एबीपीएस न्यूज गांव की आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक कुमाया में स्थित अगौना बुजुर्ग गांव पहुंचा। यह गांव ब्लॉक से 10 किलोमीटर दूर तो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में ग्रामवासियों ने अरविंद कुमार मिश्रा को गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 1296 की आबादी वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान समय में गांव में 50 परिवार आज भी राशन कार्ड से वंचित हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी व जूनियर पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। विकास कार्यों की बात की जाए तो गांव में 27 हैंडपंप, विद्युत पोल व एक विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 15 सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान के भरकश प्रयासों से गांव में 500 मीटर इंटरलॉक, शौचालय, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 70 इज्जत घर का निर्माण भी कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, पंचायत भवन, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास, पानी की टंकी, इज्जत घर के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान अरविंद मिश्रा, ग्राम पंचायत अगौना बुजुर्ग, जिला शाहजहांपुर, विकासखंड कुमाया, हमारी ग्राम पंचायत जो हमने कराया है विकास, इंटरलॉक, नाली मरम्मत, खड़ंजरा, मिट्टी का कार, आंगनबाड़ी केंद्र में रिपेयर, प्लास्टर पुताई लगाई, उसके बाद हमारे स्कूल में टायर आयल, शौचालय। अब हमारी यह मांग है कि हमारे यहाँ जो है एक पंचायत घर, एक बारात घर, जो हमारे गांव में पानी की समस्या आई तो उसके लिए टंकी और घर की जो स्थिति रह गए 1000 मीटर, बाकी हमारी व्यवस्था करी जाए। गरीबन के लिए हमारे आवास, जो हमारे गरीबों के पास नहीं उनकी आवास की व्यवस्था करी। प्रधान लोगों को मानदेय 10,000 से कम ना होना चाहिए, 3500 और 2500 में प्रधान लोगों को मानदेय में क्या होना, पेट्रोल खर्चा नहीं निकलना।